अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिस पर आप जाकर ट्रेडिंग कर सके या शेयर मार्केट के बारे में जान सके, अगर आपको नुकसान से बचना है या मैनेज करना है, ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। तो आज हम पहुंचे हैं शिव कॉलोनी सेरगढ़ रोड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर, लाइव ट्रेड एंड लर्न इन्वेस्टिंग बापू। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस इन्वेस्टिंग बापू। क्या है ये इन्वेस्टिंग बापू, ये हम जानेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है या किस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगी ये पोस्टर के माध्यम से, या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो ऑलरेडी शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, शायद उन लोगों को ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जो भी ये स्टिक्स यहाँ पर लगी हुई हैं, शायद उन लोगों को ज़रूर पता होगा। लेकिन हम इन्हीं के बारे में आज जानेंगे कि भैया एक्चुअल में ट्रेडिंग या शेयर मार्केट किस तरीके से काम करती है, इसको मैनेज कौन करता है। तो हम ऊपर चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगी मैं इन्वेस्टिंग बापू, यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो दिखाया गया है, और इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके ट्रेडिंग को लेकर या शेयर मार्केट को लेकर कोई भी क्वेरी रहेगी या कोई भी डाउट रहेगा तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8930098210। आ है इन्वेस्टिंग बापू और कौन इनको संभाल रहा है, तो वो भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप, यहाँ क्लास चल रही है और हम बातचीत भी करेंगे राजेश कौशिक सर से, क्या कुछ है ये पूरा और किस तरीके से प्रॉफिट होता है, मैनेज होता है, किस तरीके से ये चीज़ मैनेज लाई जा सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताइए इन्वेस्टिंग बापू है क्या? इन्वेस्टिंग बापू तो हमारी कंपनी का नाम है जो लोगों को एजुकेशन करवाती है शेयर बाजार के लिए, कि लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। जी, कितने टाइम से कर रहे हैं सर आप? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। तो जो ट्रेडिंग करना चाहता है, जो कर रहा है, या कोई नॉलेज लेना चाहता है, या फिर किसी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो प्रॉफिट किस तरीके से ले, मतलब ये क्वेरीज जो हैं वो आप क्लियर कीजिएगा। प्रॉफिट का तो ऐसा है मैम, लोगों को सीखना पड़ता है कि कहाँ से प्रॉफिट निकला, कहाँ से लॉस निकला। लेकिन ज़्यादातर लोग आज है मार्केट में 98% लोग लॉस ही बुक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रेड कहाँ से लगाएं या कहाँ से इन्वेस्ट करना है। उसके लिए उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर सेटअप नहीं होता, इस कारण से लोग लॉस बुक कर लेते हैं और यह इंडस्ट्री थोड़ी सी बदनाम हो जाती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो कोई जुआ है या कोई सट्टा बाजार है, लोग इसको ना बिजनेस की तरह नहीं ले पाते। तो जिनका काफ़ी नुकसान ही होता चला जाता है या कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, तो ऐसे लोगों की आप हेल्प कैसे करते हैं? वैसे उनके लिए ऐसी हेल्प है कि हम उनको ये बताते हैं प्रॉपर यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एग्जिट होगा। मेरे देखने में यह आया है, लोग एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन निकलना नहीं आता उनको, जैसे कि कोई भी है काम शुरू तो करते हैं लोग, चलाना नहीं आता, कोई शादी कर लगा शादी नहीं चलानी आएगी, कोई काम शुरू कर लेगा चलाना नहीं आओगा। लोग प्रवेश कर लें लेकिन निकलना नहीं आता, वो प्रॉफिट ने भी लॉस में बदल लेंगे और लॉस ने तो लॉस में बदला ही है। तो हम यहाँ से क्या हुआ कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट लेना है। तो मतलब आप इस चीज़ की क्लासेस भी देते हैं? हाँ, क्लासेस देते हैं। हमारी क्लासेस सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक होते हैं, मार्केट जब क्लोज होती नहीं तब तक वो हमारे साथ ही लाइव रहते हैं। तो मतलब किस तरीके से कोई लिंक आता है या किस तरीके से आप जुड़ते हैं? हम दो तरह से जुड़ते हैं, एक तो कि वो फिजिकली आके यहीं रह सकता है हमारे पास सुबह आए, और एक है कि हमारी ऐप पे जुड़ जाए। हमारी ऐप का नाम है इन्वेस्टिंग बापू, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें, हम उसमें 2-4 दिन में लाइव होंगे। तो भाई जिनकी क्वेरी है ट्रेडिंग को लेके, शेयर मार्केट को लेके, तो ऐप है प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर इसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि आपने बताया कि शुरू तो कर देते हैं बाहर नहीं निकला जाता, तो उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं? ऐसे करते हैं मैम, देखो एक बार लाइट ऑफ करवाना। जी, जैसे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट को चला कौन रहा है, ऑपरेट कौन करता है। जी जी जी। कहीं भी एग्जिट ले लेंगे, अगर यहाँ आप
कैमरा करोगे लोग सोचेंगे कि हम बायर हैं जी। टोटल ही जैसा सिखाया गया इंडिया में सिखाते, कोई भी ग्रीन कैंडल है वो बायर की है, रेड कैंडल है तो वो सेलर की कैंडल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही कैंडल में दो है, जैसे कोई एक व्यक्ति, इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति वो अच्छा नहीं हो सकता, उसमें कुछ बुरा भी होगा। एक दिन है, दिन में रात भी होगी सुबह भी होगी, दो विपरीत चीज़ों से बन के कोई चीज़ बने। जैसे कोई बटन है, अभी ये बंद किया, इसमें ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है, दोनों के सहयोग के बगैर कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही हर कैंडल में दो विपरीत हैं, उन दोनों से मिलकर कोई चीज़ बनेगी। जैसे ये कैमरामैन तो को भी, तो ये ग्राफ है एक, नहीं ये वो है कि मार्केट में लोग कौन है। ओके। जो ये ग्रीन है, टोटल बाजार में जो भी लोग हैं इस इंडेक्स में निफ्टी 50 में, अब 27 लाख लोग हैं जो कि चाह रहे हैं बाजार ऊपर जाए टोटल वॉल्यूम, और उसकी 5 लाख लोग हैं कि वो नीचे आवे। अब इसमें तो कौन भी नहीं रहा होगा कि बाजार ने ऊपर कर दे, 25 लाख वाला, 27 लाख वाला या 5 लाख वाला। ऐसे वो प्रति मिनट प्रति सेकंड जांच के कि प्राइस कहाँ जाओगा, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, लोगों को पता ही नहीं रहता कि मार्केट को कौन ऑपरेट कर रहा है, बायर कर रहा है या सेलर कर रहा है। तो मतलब ऐसे में आप ये दावा कर रहे हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि अभी जो वो स्टॉक है या वो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि कोई बैंक या फिर जो भी शेयर मार्केट है HDFC ICICI का, तो उसमें आप क्या कुछ दावा कर सकते हैं? जैसे ये HDFC बैंक है, हाँ जी, इसका प्राइस 1633 तक आज का, इसका टाइम एक मिनट रुको, 12:30 बजे तक इसकी उम्मीद है कि ये 1633 रुपये पे आ जाए। 1633 रुपये पे, हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, ऐसे नहीं बोल दिया कि आवे, संभावना बन रही है कि ये प्राइस नीचे आवे। अगर इसमें सेलर बढ़ते रहे, हाँ, क्या बोला कि अगर सेलर बढ़ते रहे तो ये नीचे आओगा, नहीं तो ये प्राइस 1655 का आस पास था आके वापिस चले जाओ। तो मतलब ये आप दावा कर रहे हैं, हाँ, ऐसा संभावना बन रही है अभी, हाँ जी। लेकिन अभी जो है ये नीचे ही आओगा धीरे धीरे धीरे। अगर इसमें दो या तीन मिनट बाद कोई भी सिचुएशन बने तो ये प्राइस 55 तक ही उठागा जी। हाँ। तो मतलब ये जो दावा है आप जो कर रहे हैं या संभावना बता रहे हैं आप, हाँ, किस तरीके से पॉसिबल है? आपने कोई स्टडी की है, हाँ, या किस तरीके से आप बताते हैं? ये ऐसा ही है, ये तो बहुत ही साधारण बच्चों का काम है। अगर आप भी देखोगे, जैसे आप और मैं दो पक्ष हैं, हमें झगड़ा हो जाए, 5 व्यक्ति आपकी तरफ लग जाएं, 2 व्यक्ति मेरी तरफ लग जाएं, जीत किसकी होगी? जिसकी तरफ 5 लगे हैं उसकी होगी, जिसकी तरफ 2 लगे हैं उसकी हार होगी। ऐसे हम लोग देखें इसमें कितना है और जो लोग हैं नहीं वो किस साइड हैं। अगर लोग जितने के साइड हैं तो हम बोलेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, अगर उस साइड है तो बोलेंगे नीचे जाएगा। अभी ये जो हैं प्राइस को जो ऊपर ले जा रहे हैं उनके सिर पे कौन बैठा है जो प्राइस नीचे ला रहा है? अभी दबाव में है मार्केट जी। नीचे कर रहे हैं, प्रेशर है नीचे का, जितना ये प्रेशर कम होता चले प्राइस ऊपर रहेगा। वैसे तो ये मतलब ये जो है ये घट भी रहा है, जो अभी जैसे प्राइस ऐसे जाएगा, हाँ, और इसके ऊपर एक दबाव है जी। नहीं जाए, उसको कोई दबा रहा है जी। जितना ये दबाव कम होता रहेगा तो प्राइस ऊपर, अगर ये बढ़ता रहा तो प्राइस नीचे। जैसे अब ये है, हाँ, यहाँ देखोगे यहाँ से पूरा प्रेशर आया हुआ है जी। जैसे ही दोबारा यहाँ जाएगा ना, यहाँ से और भी अतिरिक्त प्रेशर होगा इस पर, तो हम कह देंगे कि यहाँ से प्राइस है ना एक प्रेशर में नीचे ही रहेगा। अगर किसी को एंट्री लेनी है, स्कैल्पिंग करनी है, 1, 2 या 5 रुपये उठाना है, जैसे ऑप्शन में उठाते हैं, जो भी ऑप्शन करते हैं वो जानते होंगे, वो यहाँ से एंट्री लेगा जहाँ से प्रेशर है जी। ये ऐसे हम जज कर लेते हैं। कोई भी बच्चा भी है 10 साल का, 10वीं फेल 8वीं फेल, वो भी देख के एक मिनट में बता देगा कि ये प्राइस यहाँ तक नीचे होगा। मैं अभी स्टडी की बात करूँ तो स्टडी क्या कुछ की है सर आपने? मेरी तो स्टडी ग्रेजुएशन रही है फॉर्मल तो, और ऑनलाइन एजुकेशन की मेरी रही है, कोई 40 से 45 कोर्स मैंने किए हो गए। 40 से 45 कोर्स आपने करे? हाँ,
ये बड़ा बिजनेस कंपनी है विवेक बिंद्रा की, जितने भी इनके कोर्स सभी किया है, उज्ज्वल पार्ट ने किया बिजनेस जीतो जी। उनके जितने कोर्स है वो किए हैं, और भी ऑनलाइन पंकज जैन है, सुनील मंदलानी हैं, पंकज किशोर हैं, जो भी ऑनलाइन आज के गुरु हैं उनके सभी के कोर्स मैंने तो किए। कितना टाइम हो गया सर इसमें? इसमें मैंने 5 साल हो गए। तो एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट होती है, ये वाकई है तो अलग अलग, लेकिन जो अदर कंपनियां लगा लो या कुछ भी लगा लो, जैसे बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो हो गया या रिकॉइन जो नई नई आ रही है, तो उस चीज में फर्क किस तरीके से होगा? ऐसा होता है जो भी क्रिप्टो होती है, कोई भी क्वाइन है, क्वाइन को आप भी बना सको या मैं भी बना इसको, मैंने भी बनाना हुआ कोई भी क्वाइन बनाया लगा, वो एक प्रोग्राम होता है, उसको कोई देश की रेगुलेटरी ऑथोराइज नहीं कर दी कि कोई गवर्नमेंट चला रही है, उसकी कोई व्यक्ति चला, वो व्यक्ति का प्रोग्राम है। तो मतलब वो इलीगल है या? हाँ इलीगल है वो लीगल नहीं है, है। मेरे हिसाब से तो, लेकिन आज दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, वो प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरी तो समझ नहीं है कि करा, जब तक कि गवर्नमेंट उसकी कोई मान्यता ना दे दे। एक दो देश है उसने दी है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट को। जी। तो जैसे आप लाइव वेबिनार करते हैं, क्लासेस लेते हैं, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो आपके पास आ सकता है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल ही आ सकता है। अगर वो कोई भी ऑनलाइन सीखना चाहे तो ऑनलाइन में उसकी फीस रहती है हमारे पास 3,000 रुपये, जो भी उसकी क्वेरी है क्वेश्चन है वो उसमें पूछ सकता है, हम उसके साथ ही रहेंगे पूरी मार्केट में। अगर कोई ऑफलाइन है हमें तो पास ही रह के काम करना है, जैसे ये इतने नज़दीक से ये सीख रहे हैं, इतने ही नज़दीक रह के सीखना है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडिंग करते हैं या जो जानते हैं, जो क्वेश्चनिंग पुट की थी या जो भी सर ने बताया ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन सर जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को आप क्या एक ऐसी सलाह देना चाहते हैं कि वो बच सकते हैं नुकसान से या प्रॉफिट उनको ज़्यादा हो? उनके लिए तो ऐसा है, अगर किसी को नुकसान हुआ है, बड़ा लॉस है, वो निकलना चाहता है, किसी को ट्रेडिंग करते हुए 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, उनको कोई भी सेटअप नहीं बना, वो हमारे पास उसकी ट्रेड हिस्ट्री भेज सकता है कि मैंने यहाँ यहाँ से एंट्री ली थी, मैं खुद उसकी एक साथ एक दिन उसको दूंगा और उसको एक सेटअप तैयार करके देंगे हम, वो हमारे पास ही रहेगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा, अपने सारे ऑर्डर दिखाने पड़ेंगे मैं क्या क्या गलती करता हूँ, और फिर हम उसको उसी के लैपटॉप में सेटअप बना के देंगे। इससे बाहर की आप कभी भी ट्रेड मत करना और ना ही इन्वेस्ट करना, वो देखते देखते 6 महीने 2 महीने में उसका कितना ही लॉस उससे बाहर आ जाएगा। तो एक बार आप एड्रेस बता दीजिए दर्शकों को, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो। एड्रेस शिव कॉलोनी कैथल नियर धर्म ओम कांटा जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिसने भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या फिर जो शेयर मार्केट में अपना दमखम रखता है कि भैया हमें तो लगाना ही है पैसा लेकिन हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर हमने आपको बताया था वही नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और स्क्रीन पर चला हुआ है, आप उन पर व्हाट्सअप करके भी अपनी जितनी भी क्वेरी है ट्रेडिंग को लेकर आप इनसे शेयर कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हैं, जो नंबर दिया गया है, अगर किसी समस्या है कि ये कोई फ्रॉड कर रहे हो, बता नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, सोमवार मंगलवार बुधवार को कभी भी अपना नाम लिखे व्हाट्सएप पे, अपनी लोकेशन बताए, इस शहर इस सिटी से हूँ, वो पूछ सकते हैं हम उसको। ऑल ओवर इंडिया? हाँ ऑल ओवर इंडिया, कोई भी पूछे। ऐसा हो सके कि गैदरिंग ज़्यादा हो जाए पब्लिक की, उसका जवाब ना दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देना नहीं चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे स्पीड स्पीड में उसको दें जी। तो मतलब किसी भी समय और किसी भी दिन? हाँ किसी भी दिन, 1 हफ्ते के लिए उसके लिए ये सुविधा रहेगी, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर क्लास चली हुई थी, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ट्रेडिंग को ही लेकर। क्या नाम है? नितिन जी। कितने टाइम से सीख रहे हैं आप? मेरे को 15 दिन हो गए जी। तो क्या कुछ सीखा, मतलब इंटरेस्ट था पहले से ही? पहले से इंटरेस्ट था जी, मैंने पहले पता लगा ली थी नौकरी वगैरह में कोई फायदा नहीं है, तो मेरे 12th के एग्जाम होते मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया था। तो किस तरीके से पता लगा कि कैथल में कहीं पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं?
हम हमारे को जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे आसपास से कुछ बच्चे जाते थे उनसे मेरे को पता चला इन्वेस्टिंग बापू के बारे में, तो मैं यहाँ पर आया सीधा सर के पास और मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो मतलब कि जो इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं वो जो बच्चे हैं जिनको रास्ता नहीं मिल पाता, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनको क्या कुछ कहेंगे? जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो अदर स्टेट से बच्चे हों यहाँ आकर भी सीख सकते हैं सर के पास, नहीं तो जो सर का ऐप है इन्वेस्टिंग बापू वो इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर? अशोक कुमार। कितना टाइम हो गया सर आपको? मुझे आज 9वां दिन है यहाँ पे। 9वां दिन है, तो क्या कुछ सीखा सर आपने? मुझे तो इस मार्केट में 2 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने यूट्यूब से बहुत नॉलेज ली वैसे, लेकिन उसमें चार्ट की नॉलेज तो मिलती थी, इंडिकेटर की नॉलेज भी मिलती थी, और उसमें साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं मिलती थी या फंडामेंटल नॉलेज नहीं थी उसमें। सभी बता रहे थे, सभी यही बताते हैं उसमें, भाई ये फलानी फलानी कैंडल है तो ये मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता कि वो मार्केट कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे आएगी। इंडिकेटर ने तो बता दिया आपको कि मार्केट, हमने इंडिकेटर लगाया उसने ये शो कर दिया मार्केट ऊपर जाएगी, अभी हमें ये नहीं पता कि वो कितनी ऊपर जाएगी और कितनी ऊपर जाके वहाँ से रिजेक्ट होएगी। तो वो बेसिक, वो मतलब जो फंडामेंटल नॉलेज है वो नहीं मिल पा रही थी। मैंने पूरा यूट्यूब मतलब हज़ारों वीडियो देखी, दुनिया भर के चार्ट देखे, मतलब दुनिया भर के इंडिकेटर लगाए, लेकिन कहीं से भी प्रॉपर नॉलेज नहीं आ रहा था, उसका बेस नहीं पता लग रहा था भाई उसकी साइकोलॉजी क्या है पीछे। तो मतलब भाई कितना रिजेक्शन होगा, कितनी ऊपर जाएगी ये मार्केट और कहाँ पे रुकेगी, कहाँ से चलेगी, कहाँ पे एंट्री बन सकती है, कहाँ पे एग्जिट बन सकता है, तो प्रॉपर ये चीज़ नहीं पता चलती थी उनसे। यूट्यूब से तमाम क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए आपने क्लासेस ज्वाइन की? तो फिर मैंने ऐड देखी जी। तो एक बारी मैंने ऐड देखी तो कई बार लगता है भी शायद ये फ्रॉड भी हो सकता है, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक बार मिला जाए, क्योंकि मेरे को टेक्निकल नॉलेज तो थी सारी, सिर्फ वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं, साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा चलो एक बार मिल के तो देखें, तो लोकल ही हूँ मैं कैथल से, तो सर भी कैथल से ही हैं, तो मैं एक बार आया यहाँ पे, तो इनके साथ बैठा 2 घंटे लगाए मैंने यहाँ पे, तो फिर मुझे लगा कि भाई हाँ ये यही राइट आदमी है जिनकी मैं तलाश कर रहा था, क्योंकि कोई मेरे को जो है कि बेसिक नॉलेज दो, इसका पीछे का बेस बताए, जो इसका फंडामेंटल मेरे को क्लियर करे भाई ये मार्केट गई है, इंडिकेटर ने तो बताया ऊपर गई है, लेकिन इंडिकेटर ये नहीं बताएगा वो कितनी ऊपर जाएगी, भाई वहाँ पे हमने वहाँ से बाहर निकलना है या वहाँ पे हमने एंट्री बनानी है, क्या करना है। तो सर से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे इनके मतलब यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए? हाँ, मेरे धीरे धीरे डाउट क्लियर हो रहे हैं, आज 9वां ही दिन है, मतलब काफ़ी मैं तो साइकोलॉजिकल सीख रहा हूँ, तो मेरे जो बेस है वो क्लियर होता जा रहा है भी कहाँ पे कैसे काम करना है, हमें किस जगह पे जाके काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है सर? मोहन सिंह जी। कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ? आज दूसरा दिन है जी अपना। दूसरा दिन है। तो इंटरेस्ट जगह पहले से ही या पहले से आप ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, इंटरेस्ट जगह जी अपने पास। अच्छा, इंटरेस्ट जगह। तो कॉन्टेक्ट कैसे मिला सर से? कॉन्टेक्ट किया जी हमारे गाँव का मित्र पैर अपना जी, उसकी रिश्तेदारी में पड़ते जी। विदेश से आए हुए और ये काम सीख रहे हैं? आप विदेश से आए? मैं विदेश में रह के जी 12 साल। कौन सी कंट्री में? दुबई गया, बहरीन गया, लेबनान गया, जॉर्डन गया, सीरिया गया। तो मतलब वहाँ पे कोई ऐसा स्कोप नहीं दिखा? वहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखा जी। तो मतलब सुबह से शाम तक काम माध्यम लगा आपको? ट्रेडिंग में बेनिफिट है जी, वर्ष सुबह से शाम तक काम करते रहो कोई बेनिफिट नहीं जी। इसलिए सभी जो भी आज के नौजवान बाहर जा रहे हैं सबसे अपील है कि इस काम में आओ, इसमें अपने देश में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपना बेनिफिट है, किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं हम लोगों को जी। तो मतलब कि हम कुल मिला के ये चीज़ कह सकते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि भारत में कुछ नहीं रखा या हरियाणा में कुछ नहीं रखा और वो यही चीज़ कह के विदेश जाते हैं, तो वो ना ही जाएं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे काम अवेलेबल हैं अगर वो करना चाहें तो। बाहर जाने में किसी के नीचे गुलामी करने वाली काम है जी, बिल्कुल। यहाँ पर रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे जी, अपना खुद का काम करेंगे जी। क्या नाम है सर आपका? मोहन कुमार। मोहन कुमार, तो जिस तरीके से मोहन कुमार जी ने बताया वो विदेश से यहाँ पर आए हैं लेकिन वहाँ पर कोई स्कोप नहीं दिखा, तो यहाँ पर ट्रेडिंग में जो अपना स्कोप जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप भी एक बार यहाँ पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और अपनी क्वेरी या डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। संजीव मेरा नाम है जी। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रेडिंग के बारे में? कहना तो मैं पहले, सबसे पहले ट्रेडिंग की मैं बाद में बात करूंगा। मेरे को आज दुख है जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। उनको रोकने का अपने माँ बाप को ही मैं कहता हूँ सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे बाहर जाके किसको पता है,
पहले तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, दूसरा रिस्क पैसे का आ गया। पैसे का रिस्क तो कहीं ना कहीं कवर हो सकता है जीवन के साथ, लेकिन जीवन का जो रिस्क लगा के बाहर दौड़ रही है वो बुरा नहीं हो सकता। फिर वहाँ जाके क्या काम करते हैं वो भी चीज़ बड़ी है, क्योंकि करना तो काम ही है। पढ़ाई तो एक नाम है, आपको भी पता है, पढ़ाई तो होती है नहीं, करना वहाँ पे काम ही है। तो काम ही करना है तो क्यों नहीं अपने देश में रह के किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर सकते हैं या मिल सकती है? मिल सकती है, और वो खुद के अंदर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैचिंग पावर कैसी है। और मैं ये कहता हूँ जो फ्रेश है ना, बिल्कुल बिगनर है, वो इस चीज़ में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो भी डालना होगा ना वो सही तरीके से डलेगा। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दो दो तीन तीन साल उसमें घुस चुके हैं, वो ये समझते हैं कि हम ही सही हैं, तो उनको सिखाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, उनको वो समझाना, उसको तरीके से समझना वो बड़ा आसान है। जैसे आजकल ये बच्चे नए आए हुए हैं, दो तीन बच्चे, इनको मैं देख पा रहा हूँ मेरे से भी ज़्यादा कैचिंग पावर है इनकी। तो जैसे मेरे को भी 3-3.5 महीने हो गए इसमें ट्रेडिंग सीखते हुए, और 1.5 महीने से मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, आज ही मैंने प्रॉफिट निकाला है, मैं दिखाऊंगा। तो मतलब आप लाइव बैठे हैं अभी? हाँ, मैं अभी ट्रेड करके ही हटा हूँ। अब देखो क्या, कोई बोलता है कि अकाउंट में नहीं जा सकते, अभी आप इसको अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मतलब से जा पूरी तरीके से सेफ है? जिनके मन में डाउट रहता है कि नहीं हमारे साथ तो ठगी हो सकती है, आजकल बहुत सारी खबरें भी सुनने को मिलती हैं। रिचा जी, ठगी किस चीज़ की मानेंगे आप? आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट है, वही आपने यूज़ करनी है। आप उसको चाहते हो यूज़ करना तो आप करिए, आप नहीं चाहते उसको यूज़ करना मत करिए, आपके अकाउंट में है। ठगी तो हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं ठगी कर सकता। तो ट्रेडिंग में पैसा लगाना किस हद तक हम सही बोल सकते हैं कि भैया ये सही है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ट्रेडिंग में आप कितना भी लगा सकते हो, लेकिन आपके पास एक मिनिमम प्राइस है। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपए है मान के चलो, या 10 लाख तक मैं मान के चलता हूँ, किसी के पास 10 लाख रुपए है, तो वो उसको 5 या 6 उसमें डिवाइड करके रखे कि मैं इतने से ट्रेडिंग करूँगा। किसी के पास 1,00,000 रुपए तो 10,000 रुपए से लेके चले कि मैं 10,000 रुपए में सिर्फ एक लोट से ही ट्रेडिंग सीखना चाहूँगा। पहले तो वो सीखे, उसको 2 महीने में समझ आता है, 4 महीने में समझ आता है, 6 महीने में समझ आता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करे कि जब उसको ये लगे कि मैं प्रॉपर हो गया हूँ, अब मैं ट्रेड लेने के लायक हूँ, तो तब वो ट्रेड करे। जब मुझे भी अब ये 1-1.5 महीने में मुझे भी ये लगा कि मैं ट्रेड लेने के लायक हूँ, तब भी मैं डर डर के ट्रेड ले पाता हूँ। आज भी आपने देखा होगा, सिर्फ मैंने एक एक लोट में ही ये प्रॉफिट निकाला है, कोई ज़्यादा नहीं कि ऐसे मैंने 10 लोट खरीद लिए हों या मैंने 50 लोट खरीद लिए हों, सिर्फ इसमें 1 या 2 ही लोट की मैंने ट्रेडिंग कर रखी है। तो अगर मेरे को 2,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में, तो मेरे हिसाब से मैंने कितना टाइम हुआ है, 12 बजे हैं और मैं 9 बजे मार्केट में बैठता हूँ, अगर 3 घंटे में 2,000 रुपये निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिर अपनी ये तो हम कह ही सकते हैं कि दिहाड़ी हमारी निकल गई। उसके बाद पत्रकारिता, समाज सेवा करिए आप, इसमें से 2,000 रुपये में से आप 1,000 रुपये समाज में बांट दीजिए, और फिर वो आपका आप भला भी कर पाओगे, समाज का भी भला और हमारा भी भला। जी बिल्कुल, और वो कर भर, बिल्कुल बिल्कुल, कर भला हो भला। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे, मेन जो मेरा फोकस है, मैं जो कहना भी चाहूँगा कि विदेश ना भाग के सीखिए, यहाँ पे सीखिए, आपके काम आएगा सीखा हुआ, किसी भी फील्ड में मेहनत करिए। मेहनत कहते हैं ना, मेहनत कभी भी नहीं मरती, दिहाड़ी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मेहनत तो जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है। थैंक यू सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में प्रॉफिट या नुकसान से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये वीडियो एक अच्छा माध्यम आप लोगों के लिए रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा क्वेरी के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।